हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ बहादुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। मतलब यार मज़ा आ जाएगा ये ट्रिक यूज़ करके। यार इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्हें पता होगा और ये अच्छी बात है, या कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यार मुझे मज़ा आया ये छोटी सी ट्रिक यूज़ कर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आउटपुट आएगा तो मैंने इसमें पहले ही वीडियो में थोड़ा सा बता दिया है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद जो लैपटॉप में साउंड आएगा वो इस वीडियो में मैंने कोडिंग के थ्रू बताया है, थोड़ी सी स्क्रिप्ट है। तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एक एज एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे। गुड इवनिंग सौरभ सर। हेलो सौरभ सर, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर लैपटॉप। The current time is 10, 12 p.m. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ओपन कर लेंगे और उस न्यू फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर हो, ब्लैंक हो या एम्प्टी, कोई मतलब नहीं है। बट उसके अंदर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल हम लोग बनाएंगे। उसके बाद न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो फाइल होगी उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो लाइन बाय लाइन मैं लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। पहले लाइन लिखी मैंने टिम स्पीक्स कॉमा स्पीच, फिर एंटर किया, फिर स्पीक्स इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे और यहाँ पे हम वो मैसेज लिखेंगे जो हम अपने लैपटॉप या पीसी से बुलवाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोड एकदम करेक्ट होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा, फिर उसमें गलती आप लोगों की होगी। तो यार बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखो और एक बार ट्राई तो ज़रूर करना। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया, हेलो सौरभ सर, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू योर लैपटॉप। ये होने के बाद एंटर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सेट स्पीच, फिर यहाँ पे एक इसको शुरू करके क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, कुछ लोगों को पता भी होगा। और देन यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर sapi.sp voice, फिर हम लोग बाहर आएंगे मतलब एंटर करेंगे, फिर स्पीच डॉट स्पीक्स, फिर स्पेस, फिर स्पीक्स। तो यहाँ पे इसको ध्यान देखिएगा, फाइल के पास जाऊँगा मैं, फिर सेव एस पे जाऊँगा, फिर इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेलकम नाम दिया है, बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मैंने डॉट वी बी एस से सेव किया है। ये बहुत ज़रूरी एक्सटेंशन माने काम नहीं करेगा, एक नई फाइल बन के जनरेट होके आ जाएगी आपके उसी फाइल में। तो उस वेलकम डॉट वी बी एस को कॉपी कर लीजिए और फिर विंडो प्लस आर का बटन जब दबाएंगे, की दबाएंगे तो आपका रन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कोड दिख रहा है, या फिर मान लीजिए एक कमांड है सेल सेमीकोलन स्टार्टअप, तो sehsheel स्टार्टअप ओके करेंगे तो आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपको ये फाइल पेस्ट करनी है। तो फिर उसके बाद आप ये फाइल वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे सबको ये कट कर दीजिए। अब क्या है कि एक चीज़ रीचेक जरूर कर लीजिएगा, कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पे साउंड सर्च करिएगा और साउंड सर्च करने के बाद वहाँ पे एक साउंड जब आएगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो एक साउंड और बन के आएगा वहाँ पे। फिर साउंड स्कीम में विंडो डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, नो साउंड होना चाहिए। नो साउंड होगा तो बहुत सही तरीके से काम करेगा। अब हम लोग शट डाउन करेंगे, फिर स्टार्ट करके देखेंगे।
Hello, Sarup sir, how are you? Welcome back to your laptop. Namaste Thakur Sahab. तो कैसे लगी वीडियो? आई होप पसंद आया होगी आपको छोटा सा ट्रिक। तो देर किस बात किया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो ताकि मेरे मोटिवेशन मिले और इस टाइप की वीडियो बनाने में। थैंक यू गाइस, लव यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।